आज नहीं तो कल एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है वो तो अरेस्ट होना ही था, क्योंकि ये मोदी काल है और मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। कुछ दिन पहले आप पार्टी के मुख्यमंत्री यानी डिप्टी मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया शराब घोटाले में, और वही शराब घोटाले में कविता भी इन्वॉल्व थी। कईयों बार ईडी द्वारा नोटिस दिया गया था लेकिन कोई जवाब रिटर्न में इसने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। आज नहीं तो कल कविता को अरेस्ट करना ही था, सो आज कविता को अरेस्ट किया गया। दुर्भाग्य देखिए, जो कविता का भाई है केटीआर यानी एक्स म्युनिसिपल मिनिस्टर, वो ये कह रहा है कि बिना नोटिस के अरेस्ट किया गया, ऐसा कैसा है कि एमएलसी को अरेस्ट करते हैं। तो केटीआर को मैं कहना चाहूंगा, मुझे भी इसी प्रकार से बिना नोटिस के अरेस्ट किया गया था जब तुम्हारी सरकार थी। पीडी एक्ट डाल के मुझे 77 डेज जेल को भिजाया था। तो समय बदलता है, कल समय हमारा खराब था, आज समय तुम्हारा खराब है। हमने वो समय पर कोई गलती नहीं की थी, लेकिन आज तुम्हारी बहन ने बहुत बड़ी गलती की है, उसने शराब घोटाला किया है, तो जाना ही था जेल को। चलो आज बहन गई, कल भाई भी जाएगा और परसों बाप भी जाएगा, सिलसिला जारी रहेगा।